नमस्कार दोस्तों, तो आइए वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और आपके एकदम काम की खबरों को जानने का। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। उत्तर प्रदेश के बेटियों के लिए अच्छी खबर, बनेंगे 3 बालिका आवासीय विद्यालय, मिली मंजूरी और पैसा भी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के 3 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बेटियों को उधारी की आवासीय भवन में निजात मिलेगी। और बता दें कि शासन से 3 कस्तूरबा विद्यालय के निजी भवन निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग को 2 करोड़ रुपए और 42,16,73 रुपए के सापेक्ष 48,08,064 रुपए की पहली किस्त कार्यदायी संस्था को निर्गत कर दी गई है। बता दें कि 3 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के भवन निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में बेखौफ बदमाश फतेहपुर डीएम ऑफिस के पास गन पॉइंट पर 19 लाख की लूट फैली सनसनी। जी हां, बता दें कि फतेहपुर में डीएम आवास के पास आज 3 बदमाशों ने फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवर एजेंसी से गन पॉइंट पर 18.81 लाख लूट को अंजाम दिया है। बता दें कि लूटपाट करते बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। वहीं घटना से शहर में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू भी कर दी है। उत्तर प्रदेश के जेलों से 136 सजायाफ्ता कैदियों को रिहाई, योगी सरकार ने जारी कर दिया है आदेश। जी हां, आपको बता दें कि अभी योगेंद्रनाथ सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है। बता दें कि यूपी के जेलों से जल्द ही 136 सजायाफ्ता कैदियों को रिहाई मिल जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश सरकार की ओर से इसकी मंजूरी दी गई है। वहीं बता दें कि शासन ने आज शाम तक इनके रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कश्मीर में आईटीबीपी जवानों को लेकर जा रही बसें खाई में गिरी, 7 की मौत, 32 घायलों में 6 की हालत हुई है गंभीर। जी हां, आपको बता दें कि बहुत ही दुख भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के पलगाम में बड़ा हादसा हो गया है। आईटीबीपी जवानों को लेकर जा रही बस चंदनवाड़ी इलाके में खाई में गिर गई है। वहीं हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई है, जिनमें से आईटीबीपी के 6 और एक पुलिसकर्मी शामिल है। वहीं 32 जवान घायल है, जिनमें 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया है कि घायल जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर स्थित आर्मी हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सीएम योगी को बुलाने पर अड़ा रहा धीरज का परिवार, सुबह किया अंतिम संस्कार। जी हां, बता दें कि गोरखपुर में चुनावी रंजिश में बदमाशों की गोली से मारे गए धीरज पांडे उर्फ गुड्डू उम्र 38 वर्ष के परिवारजन सीएम योगी को बुलाने की मांग पर रात भर अड़े रहे। वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने धीरज पांडे उर्फ गुड्डू का शव तो ले लिया है, लेकिन बता दें कि दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन बता दें कि काफी समझाने के बाद आज उनकी अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ कचहरी गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हरियाणा से पेशे पर लाए गए कैदी की हत्या, सिपाही भी घायल। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कचहरी के गेट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक कैदी की हत्या कर दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि मारे गए कैदी को हरियाणा से पेशे पर लाया गया था। साथ ही आपको बता दें कि फायरिंग की घटना में हरियाणा पुलिस का एक सिपाही भी घायल है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मारा गया कैदी लाखन हरियाणा के अन्नागपुर का रहने वाला था। सीएम योगी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर, डिफेंस कॉरिडोर की नई नीति और लखनऊ में नाइट सफारी जाने बड़े फैसले। यह आपको बता दें कि अभी कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत सारे यानी 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आबकारी, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत कई विभागों के 16 अहम प्रस्तावों पर सर्वसहमति से मुहर लग गई है। वहीं आपको बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर की नई नीति को मंजूरी मिली है। वहीं लखनऊ के कुकरेल नाइट सफारी के लिए भी मंजूरी मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र के निर्देश पर जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है। वहीं पुराने हथियार के नए हथियार भी शामिल है। ऐसे ही बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। अगले 48 घंटे में यूपी बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष, ब्राह्मण या दलित, कौन होगा नया चेहरा।
जी हाँ, बता दें कि इस सवाल हर सभी के जुबान पर इस टाइम चल रहा है कि कौन बीजेपी का नया अध्यक्ष होगा, ब्राह्मण या दलित। आपको बता दें कि इसको लेकर खबर आ गई है कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार खत्म होने वाला है। अगले 48 घंटे के बाद कभी भी नाम की घोषणा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि चर्चा है कि नए संगठन मंत्री ओबीसी समाज से बनाए जाने के बाद नया अध्यक्ष या तो ब्राह्मण या दलित समाज से होगा। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा में ब्राह्मण नेताओं का नाम है, जिसमें हरीश द्विवेदी, योगेंद्र उपाध्याय, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद सुब्रत पाठक का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में घर का तिरंगा बांटने पर आंगनबाड़ी वर्कर को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी, घर के बाहर चस्पा की चिट्ठी। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर में घर घर तिरंगा बांटने पर एक आंगनबाड़ी वर्कर को सर तन से जुदा करने की धमकी मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि ये महिला के घर के बाहर चस्पा धमकी भरी चिट्ठी पर नीचे ISI के साथ ही लिखा है। वहीं पुलिस महिला के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराकर मामले की जाँच कर रही है। पूर्व PM अटल बिहारी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि, मौजूद रहे यूपी के मंत्री भी। जी हां, आपको बता दें कि अभी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के मंत्रियों ने लोकभवन स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ श्रद्धांजलि दी है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव बोले, जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, आज उन्होंने सब कुछ बेच दिया। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से गुन्नौर तहसील क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया गया है। वहीं जहां पर कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों का लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर सदस्य बनाने पर जोर दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि सपा गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में आज एक दिवसीय सदस्यता अभियान चलाया है, जहां कार्यक्रम में बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि जो कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, आज उन्होंने रेल, पेट्रोलियम कंपनियों के अलावा हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, संचार, बीमा और बैंक को बेच दिया है। ऐसी कोई चीज नहीं बची है जो बेची नहीं है। रोटी का जुगाड़ कर रही सरकार, अब रखेगी गरीबों की सेहत का भी ख्याल। जी हां, आपको बता दें कि अभी आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड से जुड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल से लेकर अब तक गरीबों की दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रही सरकार, अब गरीबों की सेहत का भी ख्याल रखेगी। वही शासन की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक अब गरीबी की रेखा से नीचे अंत्योदय कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि वह बीमार होने पर मुफ्त 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सके। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 49,000 गरीबों के आयुष्मान कार्ड बनाने को शिविर लगाए जाएंगे। यहां जमा करा सकते हैं क्षतिग्रस्त तिरंगा, बस्ती के DM ने नागरिकों से की ये खास अपील। जी हां, अगर आपने भी अपने घर पर तिरंगा फहराया है तो आपके लिए बेहद ही जरूरी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि घर घर तिरंगा अभियान के बाद अब राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और सुरक्षित ढंग से रखे जाने को लेकर प्रशासन सचेत हो गया है। बता दें कि यूपी के बस्ती में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय ध्वज को किसी प्रकार की क्षति होने पर सरकारी कार्यालयों में जमा करवाने का इंतजाम किया है। आपको बता दें कि इसी बीच DM प्रियंका निरंजन ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी नागरिक को किसी स्थान पर क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वज मिलता है तो उसे निकट के सरकारी कार्यालय में जमा कर दी। राष्ट्रीय ध्वज को कहीं इधर उधर ना फेंकी और ना ही निस्तारण करने का प्रयास करी। महंगाई पर नकेल कस रही सरकार, खुदरा के बाद अब थोक आंकड़ों पर भी दिखा असर। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के प्रयासों के बीच थोक महंगाई दर के आंकड़ों में गिरावट आई है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर में घटोतरी होकर 13.93% रही। वहीं जून में आपको बता दें कि 15.18% थी। वहीं आपको बता दें कि बीते कुछ माह के मुकाबले देखिए तो ये बहुत ही बड़ी गिरावट सामने आ रही है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की नई योजना, ग्राहकों को अब जमा करने पर मिलेगा तगड़ा रिटर्न। जी हां, आपको बता दें कि आजादी की सालगिरह यानी 15 अगस्त के ठीक एक दिन बाद यानी आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। बता दें कि इस योजना का नाम है बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट। इस स्पेशल डिमोस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम के तहत ग्राहकों को अपने जमा पैसे पर 6.00% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त 0.50% का ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि 0.15% ब्याज नॉन कैपेबल डिपॉजिट के लिए दिए जाएंगे। मंडी भाव सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल 40 रुपए हुआ महंगा। अब इतने रुपए हुई एक टीन की कीमत। जी हां, आपको बता दें कि देश भर के तेल तिलहन बाजार भाव में बहुत ही ज्यादा बड़ी उछाल आई है। आपको बता दें कि देश के तेल तिलहन बाजारों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सीपीओ, पामोलिन सहित लगभग सभी खाद्य तेल तिलहन की कीमतों में तेजी देखी गई है। वहीं बाजार सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि विदेशों में सोयाबीन और पाम तेल के दाम 50-100 डॉलर प्रति टन मजबूत हुए हैं, जिसके कारण तेल तिलहन बाजार में चौथरपा तेजी देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि सरसों पक्की घानी और कच्ची घानी तेल की कीमतें भी क्रमशः 40-40 रुपए की तेजी के साथ क्रमशः 2340 से 2430 रुपए और 2370 से 2450 रुपए टीन 15 किलो पर बंद हुई है। दोस्तों, यूपी मौसम जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। खबर की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।